हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने कभी रेस्टोरेंट स्टाइल छोले बनाए हैं? क्यों हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो घर जैसे छोले नहीं होते? तो चलिए आज मैं सिखाती हूँ कैसे बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल छोले। एक पैन में तेल डालकर अनियन को हम भून लेंगे और उसमें एक बे लीफ, दो बड़ी इलायची डालकर उसे गोल्डन ब्राउन तक भून लेंगे और उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। और छोले मैंने बॉयल करके रख दिए थे, ये छोले का पानी है, थोड़ा सा डाल देंगे और जैसे अनियन अच्छी तरह से कुक हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। छोले मैंने पूरी रात सोख करके रख दिए थे और सुबह मैंने उसे 5-6 सीटी लगा ली। अब छोले का पानी और डाल देंगे थोड़ा सा, इसे अच्छी तरह से अनियन सॉफ्ट हो जाए। आप विश्वास करिए, ये छोले का स्वाद बहुत ही अच्छा होगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा होगा। हम सब सारे मसाले डाल देंगे, नमक, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला भी डाल देंगे थोड़ा सा। सारे मसालों को अच्छी तरह से सौते कर दीजिए। अब देखिए अनियन सॉफ्ट हो गया है, ये गरम मसाला मैंने डाल दिया, इसमें जीरा पाउडर और ब्लैक पेपर सब है। अब दही डाल देंगे, दही से इसमें जो खट्टेपन का स्वाद आता है बहुत अच्छा आता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब इसमें हम टमाटो का प्यूरी डाल देंगे, ये दो बड़े टमाटर हैं, उसको मैंने ग्रेट कर दिया था। ग्रेवी और मोस हमारी तैयार हो चुकी है और छोले तो पहले ही मैंने बॉईल करके रख दिए थे। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल देंगे, ये स्पाइसी चिली है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला और डाल दिया मैंने। अब छोले डाल देंगे, बॉईल किए हुए छोले। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, फिर इसे कवर करके 10 मिनट के लिए सिमर पे छोड़ देंगे, जैसे सारा ग्रेवी का जो सारा स्वाद है वो छोलों में अंदर तक चला जाए। ये थोड़ा कसूरी मेथी डाल दीजिए, उसका सुगंध बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, कोई भी इंडियन सब्ज़ी हरे धनिए के बगैर तो अधूरी होती है। वैसे ढक कर रख दीजिए। मैं थोड़ा सा इमली का पानी डाल दिया थोड़े खट्टेपन के लिए। मसाले आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको खट्टा अच्छा लगता है, जितना स्पाइसी आपको अच्छा लगता है। ये आप पूड़ी के साथ खा सकते हैं, कुलचे के साथ खा सकते हैं, भटूरे के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ खा सकते हैं। अब इसे मैंने कवर कर दिया है। देखिए छोले हमारे तैयार हो चुके हैं, रेडी टू सर्व। जब आपके घर में मेहमान आ जाए तो आप ये बना दीजिए, झटपट से बन जाएंगे। छोले आप पहले ही बॉयल करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। विश्वास करिए, इसमें बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही स्वाद आएगा। थोड़ा सा और हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे। इन्जॉय करिए रेस्टोरेंट स्टाइल छोले, गरम गरम जीरा राइस के साथ, पूरी के साथ या कुलचे के साथ या भटूरे के साथ, जैसे आपका मन करे आप इसे खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल रेस्टोरेंट स्टाइल छोले। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।